उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का ढांचा था, जिसका निर्माण वर्ष 1528 में हुआ था। हिंदू संगठनों का दावा रहा है कि इसे राम के जन्म स्थल पर बने मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, जबकि मस्जिद के अभिलेखों के अनुसार उसे मुगल शासक बाबर के एक जनरल मीर बाकी ने बनवाया था। बहरहाल, बाबरी मस्जिद 1992 में ढहा दी गई थी, लेकिन इसी इलाके में तीन और ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें बाबर काल का ही बताया जाता है। अयोध्या में विवादित स्थल से थोड़ी ही दूर है मस्जिद बेगम बालरस, जबकि दूसरी है मस्जिद बेगम बलरासपुर, जो जिले के दर्शन नगर इलाके में आज भी मौजूद है। जिस तीसरी मस्जिद को बाबर काल का बताया जाता है, उसका नाम मस्जिद मुमताज शाह है और ये लखनऊ से फैजाबाद जाने वाले रास्ते पर बाईं तरफ मुमताज नगर वाले इलाके में पड़ती है। चूंकि मैंने खुद बाबरी मस्जिद को कई दफा देखा था, इसलिए ये कह सकता हूँ कि आकार में ये तीनों उससे बहुत छोटी हैं, लेकिन इनमें समानताएं साफ दिखती हैं। मिसाल के तौर पर तीनों में एक भी मीनार नहीं है, जबकि तीनों में एक बड़ा और दो छोटे गुंबद हैं, जैसे कि बाबरी मस्जिद में थे। लखनऊ के इतिहासकार रोहन तकी कहते हैं कि सिर्फ यही तीन नहीं, बल्कि पूरे इलाके में अगर गहराई से ढूंढें तो कई और मस्जिदें उसी काल की मिलेंगी जो एक दूसरे से हूबहू मिलती हैं। उन्होंने मुझसे बताया कि इन सभी मस्जिदों की बनावट में दो चीजें खास हैं, और वो हैं मीनारे ना होना और तीन गुंबद होना। ये मस्जिदें अवध के नवाबों का दौर शुरू होने के भी लगभग 200 साल पुरानी हैं। गौर करने वाली बात ये भी है कि आपको इस इलाके में 16वीं सदी के आसपास की ही मस्जिदें ज्यादा मिलेंगी, और उनकी पहचान यही है कि गुंबदों की संख्या या तो एक होगी या तीन या बहुत कम में पांच। दो गुंबद वाली कोई भी मस्जिद नहीं मिलती है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत की शैली पर बनी थी। उधर मध्यकालीन इतिहासकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हरबंस मुखिया के मुताबिक मुगल शासक बाबर की किताब बाबरनामा में इस बात का जिक्र है कि वे दो बार अयोध्या के इलाके गए थे। बीबीसी हिंदी से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि बाबर दो दिन के आसपास इस इलाके में रहे थे, शायद अवध रियासत के मामलों को सुलझाने के लिए, और किताब के मुताबिक वे शिकार पर भी गए थे। हालांकि किताब में किसी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बाबर के दौर में ज्यादातर मस्जिदों का ढांचा समान था। गौरतलब है कि अब ढह चुकी बाबरी मस्जिद भी जौनपुर सल्तनत की बनावट शैली पर आधारित थी, और जौनपुर में आज भी मौजूद अटाला मस्जिद को पश्चिम से देखने पर वो भी बाबरी मस्जिद सी दिखती है। इन तीनों मस्जिदों में से दो की हालत खासी खराब है, और सिर्फ मुमताज नगर वाली मस्जिद ही रंगी पुती दिखाई देती है। इनके आसपास रहने वाले हिंदू या मुसलमान परिवारों में भी यही धारणा है कि ये बाबरी मस्जिद के समय की ही मस्जिदें हैं। मस्जिद मुमताज शाह के पास रहने वाले बीरेंद्र कुमार ने मुझे बताया था कि उनकी तीन पीढ़ियां यहाँ रहती रही हैं। उन्होंने कहा वो बहुत छोटे थे जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया था, लेकिन तब उनके पिता जीवित थे और उन्होंने बाद में उनसे कई बार कहा कि बाबरी मस्जिद और उनके पड़ोस वाली मस्जिद की एक एक चीज समान थी, यहाँ तक कि एक मिट्टी के बड़े टीले पर बनाने का तरीका भी। नामचीन इतिहासकार सतीश चंद ने अपनी किताब मेडिवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल्स में भी इस बात का जिक्र किया है कि शुरुआती मुगल शासकों और उनके सूबेदारों ने जिस वास्तुकला या आर्किटेक्चर का उपयोग किया था वो समान होती थी। शुरुआत बाबर के समय से हुई थी और मस्जिदों से लेकर मुगल सराय सभी एक दूसरे से मेल जरूर खाते थे। हालांकि अयोध्या फैजाबाद के आसपास बनी इन तीनों छोटी मस्जिदों में कोई ऐसा अभिलेख नहीं मिलता जिसमें लिखा हो कि इन्हें किसने और कब बनवाया है, लेकिन रोहन तकी मानते हैं कि इनमें इस्तेमाल होने वाला गारा चूना या बिल्डिंग मटेरियल इनके निर्माण का बिल्कुल सही समय बता सकता है। उन्होंने कहा कि बाबर के जनरल मीर बाकी ने ये मस्जिदें बहुत जल्दी जल्दी में बनवाई होंगी, क्योंकि जहां जहां फौजें पड़ाव डालती थीं, वहां हजारों लोग कुछ दिनों के लिए रुकते थे। इबादत के लिए जगह चाहिए होती थी तो जल्दी से मस्जिदों का निर्माण करवाया जाता था। आपको फैजाबाद से जौनपुर के बीच में ऐसी कई मस्जिदें उस जमाने की मिलेंगी जिनमें भीतर जाने के लिए एक छोटा दरवाजा होता था और पीछे के हिस्से से कोई भी रास्ता नहीं बनवाया जाता था।